वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नाउ मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट, जो कि मैं जा रहा हूँ मलेशिया, और जो मेरी फ्लाइट है वो है 1:30 बजे, और जो मेरा इजी लिंक पास था वो मेरा 3 दिन का था जो एक्सपायर हो गया, तो मैं अभी इससे अपना टिकट निकालने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ से टिकट निकाल सकते हैं। जैसे मुझे जाना है चंगी एयरपोर्ट, तो ये रहा चंगी एयरपोर्ट। अब दिखा रहा है $2.50। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे नोट डालूँगा। ये मेरा नोट चला गया अंदर, जैसे प्रोसेसिंग हो रही है। एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि चंगी एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, यहां पे बहुत सारे टर्मिनल हैं, तो मेक श्योर कि जितना जल्दी हो आप यहां पे आएँ, एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले आएँ, क्योंकि आपको ढूंढने में भी परेशानी होगी कि कौन सा टर्मिनल में आपको जाना है। जैसे मेरा टर्मिनल है 4, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप यहाँ से मुझे बस लेके जाएगी टर्मिनल 4 पर। तो मेक श्योर कि आप जितना जल्दी हो उतना एयरपोर्ट पे आएँ, ताकि आप कन्वीनियंटली अपने डिपार्चर पॉइंट पे पहुँच जाएँ। बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला चाहता था, जो कि यहाँ पे आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे हैं। अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, जो कि 1 मिनट में आने वाली है, और उसके बाद मैं पहुँचूँगा टर्मिनल 4, और उसके बाद फिर बोर्डिंग पास लूँगा और फ्लाइट। बस कलेक्ट कर लिया है, और जो मेरा गेट नंबर है वो है G6, जो कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, और जो मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग है 1:30, और अभी टाइम हो रहा है 12:20, तो प्रोबेबली 10 मिनट के बाद मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने एयर एशिया की टिकट बुक कराई है फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया, ये मुझे पड़ा है 2500 रुपये में है, और 2500 रुपये में ये ओनली 7 kg बैगेज के साथ है, तो और 7 kg बैगेज बहुत इनफ होता है अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे कियोस मशीन लगे हुए हैं सब जगह पे, वहाँ सेल्फ चेक इन करके, आपको सेल्फ चेक इन करने के बाद आपके पास बोर्डिंग पास आ जाएगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए आपको एयरलाइन के पास जाना पड़ेगा, और वो जैसे आप डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगी, जैसे वीज़ा वीज़ा चेक कर लेंगे, तो उसके बाद आपके पासपोर्ट पर स्टंप लगा देंगे, और उसके बाद आप जा सकते हो इमिग्रेशन के लिए। और मैंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है, इमिग्रेशन चेक, सिक्योरिटी चेक, मेरा सारा डन हो चुका है, और मेरा जो गेट नंबर है वो है G6, मैं अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ।
मलेशिया। मैंने इमिग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, इमिग्रेशन कस्टम मैंने पूरी कर दी। ये जो इमिग्रेशन था वो थोड़ा टफ था। इमिग्रेशन ऑफिसर एक लेडी थी, वो पूछ रही थी क्यों आए हो। मैंने बोला हॉलीडे के लिए। कितने दिनों के लिए रुकोगे? मैंने बोला 5 दिन के लिए। उसके बाद पूछा इंडिया में काम करते हो? मैंने बोला हाँ काम करता हूँ। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। मैंने फिर आईडी कार्ड दिखाया। उसके बाद पूछा उसने कि सिंगापुर क्यों, कितने दिन रुके थे? मैंने बोला सिंगापुर 5 डेज रुका था। बस थोड़ा और इतने सारे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद फाइनली मेरे पासपोर्ट पे उन्होंने स्टंप लगा दिया और मैं फाइनली इंटर्ड हो गया हूँ। और उसके बाद मैंने कस्टम भी पार कर ली और मैं अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट। इमिग्रेशन कस्टम करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से मुझे अपने हॉस्टल तक के जाने के लिए मुझे क्या, कौन सा बेस्ट वे है, चीपेस्ट वे। मैंने इंफॉर्मेशन डेस्क से पता किया तो पता चला कि सबसे चीपेस्ट वे है बस, जिसकी टिकट मैंने ले ली है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 12 रिंगिट। और आप जो मेरे पीछे काउंटर देख रहे हैं, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल 1 पे आना पड़ेगा। लेवल 1 पे आके यहाँ से आप 12 रिंगिट के टिकट आप KL सेंट्रल तक का ले सकते हैं, जो मुझे सबसे चीपेस्ट वे लगा। अब मैं जा रहा हूँ गेट, जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो है A06। अब मेरा टाइमिंग है 4:15, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने बस के पास। होप कि वो आने वाली होंगी। और लगता है मेरी बस पहुँच गया हूँ। बट यहाँ की लाइनें बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा कि किस लाइन पे जाऊँ। तो अब जाकर पूछता हूँ, देखता हूँ कि बुकेट बिंटांग के लिए मुझे कौन सा लाइन पकड़ना पड़ेगा। बहुत पूछताछ के बाद पता चला कि मुझे MRT पकड़नी होगी बुकेट बिंटांग के लिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ MRT के लिए, देखता हूँ क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या टाइमिंग है, क्या प्राइसेस हैं। मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। MRT स्टेशन के बाहर मैं पहुंच गया हूं। अब यहां से मैं टिकट ले रहा हूं। टिकट का प्राइस मैंने देखा, टिकट का प्राइस है 1.8 रिंगिट। और ये जो मेरे पीछे है, इस मशीन से मैं अभी टिकट लूँगा, उसके बाद सीधा बुकिंग बिंचा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप लोगों को टिकट लेनी है तो कैसे आप टिकट ले सकते हैं।